एसडीएम ज्योति मौर्य केस में होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे का नाम आने के बाद उन्होंने ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योति के पति आलोक ने उन्हें पढ़ाने लिखाने का झूठा दावा किया। साथ ही उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक पर ज्योति और उनसे जुड़ी निजी जानकारियों को सबके सामने लाने का आरोप भी लगाया। होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे एक बैठक के लिए झांसी पहुंचे थे, जहां जब उनसे ज्योति मौर्य से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उनका जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य पर निशाना साधते सुनाई पड़े। गाजियाबाद में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। नाम बदलकर लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। जैसे ही परिवार के लोगों ने पुलिस को शिकायत की, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। धर्म परिवर्तन के तार देवबंद से जुड़ते जा रहे हैं। पुलिस देश विदेश से तार खंगालने में भी जुटी है। विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। लड़की को जाल में फंसाकर धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है उसकी जांच तेजी से चल रही है। जल्द ही पुलिस कई और लोगों की भी गिरफ्तारी कर सकती है। उधर मोबाइल में गेम खेलने से शुरू हुए प्यार की कहानी में पाकिस्तान की सीमा गुलाम अब हिंदू बनना चाहती है। वो पाकिस्तान जाने से खौफ में है। सीमा ने गुहार लगाई है कि उसे सीमा पार न भेजा जाए। सरहद की दीवार तोड़कर सचिन के साथ प्यार करने वाली सीमा अब उसके बगैर नहीं रह सकती। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम चलता है। सीमा अब भारत में सचिन के साथ ही रहने के अरमान वाले हुए हैं। वो अपने बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूंगी अपने बच्चों के साथ और गंगा नहाऊंगी, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली, हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें, बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और नोएडा के सचिन को रिहाई के आदेश दे दिए। सीमा अपने चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई और उसके बाद नेपाल से भारत आ गई थी। लॉकडाउन में दोनों के बीच ऑनलाइन गेम खेलते हुए दोस्ती हुई थी, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया। देश भर में मॉनसून की बारिश का दौर जारी है। आज भी देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली में बारिश ने 20 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज भी कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने महज 24 घंटे के अंदर ही 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाजपत नगर में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर एक आदमी की मौत हो गई। जबकि दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्रोन से ली गई दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ियां सड़क पर रेंगती दिखाई दी। हाईवे पर लगे लंबे जाम की वजह से लोग घंटों फंसे रहे, क्योंकि दिल्ली में हुई भारी बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।